पहले एक बार कल का बता दो, थोड़ा बहुत कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, कल हम लोगों ने जितना पढ़ा था ना, उसके बाद से फिर हम आज स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने टीई मोड पढ़ लिया था, हम लोगों ने टीएम मोड पढ़ लिया है, और दूसरी बात यह है कि अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। टीई मोड और टीएम मोड, उसकी कुछ फिजिकल फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देख ली थी कल, है ना, कि भाई इम्पीडेंस क्या होता है, क्या बोलते हैं, डोमिनेंट मोड क्या होता है, तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं फटाफट से, ताकि आपका काम बन जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और वो आया हुआ भी है वैसे, उन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, है ना। तो वो क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं आज। क्वेश्चन इज दैट इफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी, किधर गया वो, ये रहा, ये हम लोग कल वाला था, ये तो कल वाला है ना, तो ये कल वाला है, ठीक है, ये सब कल वाले हैं। तो ये कल की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी। ठीक है, तो ये सब वही है फॉर्मूले। इन सबसे नीचे आ जाओ फटाफट, ये सब कल का हो गया काम। अच्छा, यहां था, जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट इफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इज एफ, इफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी इज एफ, फॉर विच टीई एम एन एंड टीई पी क्यू, फॉर विच टीई एम एन एंड TEP, ये सब क्वांटम नंबर है, हैव सम वेवलेंथ, हैव वेवलेंथ लैम्डा जी एंड ऑल फॉर टीई एम एन मोड एंड ऑल फॉर टीई एम एन मोड गिव गाइड वेवलेंथ इज गाइड वेवलेंथ इज लेमडा जी एम एन, लेमडा जी एम एन एंड फॉर टीई पी क्यू मोड एंड फॉर टीई पी क्यू मोड गाइड वेवलेंथ इज, गाइड वेवलेंथ इज लैम्डा जी पी क्यू। ठीक है, देन प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन, देन प्रूव द फॉलोइंग रिलेशन, आपको एक रिलेशन है वो प्रूफ करना है, फॉलोइंग रिलेशन। ठीक है, एंड रिलेशन इज दैट ए अपॉन बी टू द होल स्क्वायर इट जस्ट इक्वल टू द एम स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर
क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। अब जो गिवन है ना उनको लेके चलो और फिर जो प्रूफ करना है वहां तक हम लोग आ जाएंगे। देखो कैसे करना है, सेम वेवलेंथ या सम वेवलेंथ लैम्डा जी, ऊपर आ जाओ। देखो उसने क्या लिखा हुआ है, गिवन है द सम वेवलेंथ, सम नहीं होगा, सम वेवलेंथ लैम्डा जी, सम की जगह सेम होना चाहिए, दिस इज द सेम वेवलेंथ। सेम वेवलेंथ मतलब होता है कि दोनों की वेवलेंथ सेम है, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर वेवलेंथ सेम है इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज लैम्डा जी फॉर द एम एन इट जस्ट इक्वल टू द लैम्डा जी एंड पी यू, ठीक है ना, ये जस्ट इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसको लेके आगे चलना है। अब आपको ये कल लिखवाया है था लेमडा जी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लिखा होगा देख लो कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ, जस्ट लेमडा जी का फॉर्मूला ये होता है बेसिकली, आपको लिखवाया हुआ भी है और आपको यही यूज में लेना है। लेमडा जी इज इक्वल टू लेमडा अपॉन समथिंग जो भी आपको दिख रहा है वो है ना। आ जाओ नीचे, तो जो लेमडा का फॉर्मूला है वो आपको यूज लेना है और वो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास लेमडा अपॉन अंडर रूट वन माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर एंड दिस इज फॉर द एम एन क्वांटम नंबर एंड इट जस्ट इक्वल टू द लेमडा अपॉन अंडर रूट वन माइनस एफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर दिस इज फॉर द पी क्यू क्वांटम नंबर। तो ये सब कट जाएगा, इसमें कोई डिपेंडेंट है नहीं, एम एन लो चाहे पी क्यू लो ये सब कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी एफ से एफ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। जो बचेगा जो दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, फिर स्क्वायर कर देना, वन से वन काट देना, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर काट देना, तो बचेगा क्या फिर, तो बचेगा एफ सी का होल स्क्वायर बचेगा फॉर द एम एन एंड इट जस्ट इक्वल टू द एफ सी स्क्वायर फॉर द पी क्यू, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए फंडामेंटल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग लिखोगे तो वन अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन एंड अंडर रूट ये होता है बेसिकली स्क्वायर फॉर्म में आपको लिखना है इसको। तो सो एम एन के लिए लिखोगे तो एम अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन अपॉन बी का होल स्क्वायर एन अपॉन बी का होल स्क्वायर एंड इट जस्ट इक्वल टू वन अपॉन टू अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट पी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब स्क्वायर में है क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर में आप लोग हटा देना इन चीजों को, है ना, तो स्क्वायर में भट जाएंगे इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना फिर एम अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस एन अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इट जस्ट इक्वल टू पी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो इसको, तो ए वाले एक तरफ ले लो तो एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और बी वाले एक तरफ ले लो तो क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो जो आपको चाहिए वो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। आपको ये तो चाहिए था ए अपॉन बी का होल स्क्वायर चाहिए था, तो कितना मिल गया हमें एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो आपको चाहिए था, तो ये आपको मिल गया। ओके नाउ अब एक और चीज है, बेसिकली एक और सवाल है जो भी करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर टू, ये भी थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल ही है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये भी। द अदर क्वेश्चन इज दैट
रेक्टेंगुलर वेव गाइड हैज अ सेम ऑफ लेमडा जी, रेक्टेंगुलर वेव गाइड हैज द सेम हैज द सेम ऑफ लेमडा जी एट गिवन फ्रीक्वेंसी, एट गिवन frequency when excited in a TE32 and TE11 TE11 mode. Find the ratio. तो आपको ये निकालना रेशो a अपॉन b का होल स्क्वायर. वैसे ऊपर लिखा हुआ है फॉर्मूला, कुछ नहीं करना. ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, आपको क्या दिया हुआ है, इसने बोला TEMN है ना, तो इसने m का वैल्यू 3 दिया हुआ है और n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, P का वैल्यू 1 दिया हुआ है, Q का वैल्यू 1 दिया हुआ है इन मोड्स के अकॉर्डिंग. तो ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, जब लैम्डा जी इक्वल होता है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करना है. फटाफट से ये फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, निकालो आंसर कितना आएगा. यहां वैल्यू पुट करना है इस फॉर्मूले में, तो इसका आंसर आ जाएगा a अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3. बस खत्म काम, इतना सिंपल सा आंसर है. तो इस तरीके न्यूमेरिकल आते हैं आपके, है ना. तो ये तो एक टॉपिक खत्म हो गया आपके पास में. अब हम लोग पढ़ेंगे अनादर टॉपिक की ओर. ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्साइटेशन ऑफ वेव इन द रेक्टेंगुलर वेव गाइड. मतलब जब आपकी माइक्रोवेव वेव गाइड के अंदर आप लोग डालते हो ना, तो वेव गाइड के अंदर डालने पे वो सीधी ही एक्साइट नहीं होती, मतलब उसमें उत्तेजना नहीं आती एकदम से, है ना. तो उसको प्रोपोगेट करवाने के लिए, उसको एक्साइट करवाने के लिए हमें कुछ मेथड काम में लेने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन मेथड्स, ठीक है ना. तो माइक्रोवेव को वेव गाइड के अंदर एक्साइट करने के लिए क्या तरीके होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं फटाफट से. तो नीचे आ जाओ. तो नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्साइटेशन मेथड्स. हेडिंग दो अब अगला, दैट इज द एक्साइटेशन मेथड्स. एक्साइटेशन मेथड्स फटाफट से इनको देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्साइटेशन और मैग्नेटिक फील्ड एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन और मैग्नेटिक, ये दो तरह के होते हैं हमारे पास, है ना. क्वेश्चन भी आपके इस तरह से आते हैं ना, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे ना वो मैं लिखवा दूं आपको, किस तरह के क्वेश्चन आए थे. तो आपके एग्जाम में एक तो ये सवाल आया था, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर अ वेरियस फील्ड कंपोनेंट्स, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द वेरियस फील्ड कंपोनेंट्स फॉर द various field components
वेरियस फील्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड प्रोपगेटिंग इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड ठीक है इन TEMN मोड इन TEMN मोड तो ये तो आप लोग आंसर लिख ही दोगे ऊपर से क्योंकि ऊपर मैंने करवाया हुआ है क्वेश्चन ये जिस अपन ने EX HX EY HY ये निकाला हुआ है तो ये सब आप लोग ऊपर से निकाल दोगे द थिंग इज दैट स्केच फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द यहां से हम लोग का मेन क्वेश्चन है जो हम लोग को अब करना है स्केच फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्केच फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द वेवगाइड इनसाइड द वेवगाइड फॉर डोमिनेंट मोड एंड मेथड ऑफ एक्साइटेशन एंड मेथड फॉर एक्साइटेशन मेथड ऑफ एक्साइटेशन एंड मेथड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ डोमिनेंट टीई मोड ऑफ डोमिनेंट टीई मोड डोमिनेंट टीई मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड ये है आपका सवाल अल्टीमेटली आपको बेसिकली क्या है रेक्टेंगुलर वेवगाइड में मेथड ऑफ एक्साइटेशन समझाना है और एक्साइटेशन के बाद में जो डायग्राम स्केच होते हैं ना फील्ड कंपोनेंट्स के वो आपको प्लॉट करना है किस तरह का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देंगे ठीक है एक और सवाल है जो आपके इस तरह के क्वेश्चन में आ सकता है तो वो भी बन सकता है सवाल एक्सप्लेन हाउ डोमिनेंट मोड सो एक्सप्लेन हाउ डोमिनेंट मोड TE10 मोड दैट इज TE10 मतलब TE10 मोड की बात कर रहा हूं मैं डोमिनेंट कैन बी एक्साइटेड इन अ रेक्टेंगुलर वेव गाइड कैन बी एक्साइटेड इन अ रेक्टेंगुलर कैन बी एक्साइटेड इन अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड तो ये आपके पास में दो सवाल हैं जिनके जवाब आपको ढूंढना है मतलब कंप्लीटली रेक्टेंगुलर वेवगाइड में एक्साइटेशन को आपको डिफाइन करना है ठीक है ना चलिए अब सॉल्यूशन लिखते हैं एक्साइटेशन कैसे होता है एक्साइटेशन मेथड्स क्या क्या होते हैं तो उनकी बातें हम लोग करते हैं फटाफट से सो देर आर फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वेवगाइड एक्साइटेशन There are following methods for excitation.
दो तरह से आप माइक्रोवेव को एक्साइट कर सकते हो। एक्साइट मतलब होता है थोड़ा उसको उत्तेजित करना ताकि वो परफेक्टली कर पाए, क्योंकि नॉर्मली परफेक्टली प्रोपगेट करना आसान नहीं होता, थोड़ा उसको एक्साइट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एक्साइटेशन करने के लिए पहला तरीका तो होता है दैट इज इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू एक्साइट करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन, है ना। तो एक तो ये तरीका है भैया इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन की हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इफ द आउटपुट ऑफ माइक्रोवेव जनरेशन, चलो इसमें क्या होता है, इफ द आउटपुट ऑफ माइक्रोवेव जनरेशन इज टेकन बाय कोएक्सियल लाइन, इज टेकन बाय कोएक्सियल लाइन, इज टेकन बाय कोएक्सियल लाइन, देन इनर कंडक्टर इज यूजुअली यूज्ड, देन इनर कंडक्टर इज यूजुअली यूज्ड एज अ प्रोब, एज अ प्रोब, इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तुम लोगों को डेरिवेशन करते करते पक गए थे, तो ये तुम्हारे लिए थियोरिटिकल टॉपिक आ गया। इसमें थ्योरी थ्योरी है, ये मेथड है, तो केवल आपको थ्योरी पढ़ना है। पिछले 3-4 दिन से हम लोग जो है केवल डेरिवेशन डेरिवेशन कर रहे हैं, उसमें कहीं थ्योरी नहीं आ रही। यहाँ पर कम से कम थ्योरी थ्योरी है बस, तो ये थ्योरी पढ़ लो बस आज। सो इट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, लाइक एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, अभी समझाऊंगा मैं आपको थ्योरी, पहली बार लिख लो। द एग्जैक्ट प्रोब लोकेशन एंड प्रोब साइज, एग्जैक्ट प्रोब लोकेशन एंड प्रोब साइज आर डिटरमाइंड बाय इंपीडेंस मैचिंग, आर डिटरमाइंड बाय
इम्पीडेंस मैचिंग। डिटरमाइंड बाय इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक है। एंड डिजाइन कपलिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड डिजाइन ऑफ कपलिंग कैरेक्टरिस्टिक कपलिंग के कैरेक्टरिस्टिक। बस अब डायग्राम बना के देख लो फटाफट से, फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ऐसा होता है बेसिकली कि हमारे पास ना यहाँ पर नीचे तो होता है माइक्रोवेव का, सॉरी वेव गाइड का नीचे वाला हिस्सा। देखना ये नीचे जो है ये वेव गाइड का नीचे वाला हिस्सा है, ध्यान समझना। ये वेव गाइड का नीचे वाला हिस्सा मान लो आप लोग, ठीक है ना, लाइक दिस। अब इसमें ना अगर मान लीजिए वेव प्रोपगेट हो रही है, ठीक है, सो आपको करना ये है कि एक प्रोब लगानी है। प्रोब मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का तो क्या मतलब, टुकड़ा होता है, जैसे जैसे लकड़ी का टुकड़ा होता है ना, ऐसे मेटल का टुकड़ा होता है। प्रोब मतलब छड़ी होती है, छड़ी, ठीक है। तो जब आपके पास में टीई मोड में आपकी वेव प्रोपगेट कर रही है मान लो, तो उस समय इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन देना पड़ता है। इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन में क्या होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर अगर मान लो फॉलो होता है सपोज, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर ये जनरेटर है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होता है। दिस इज द जनरेटर, ये जनरेटर हो गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जनरेटर, जनरेटर, ठीक है। अब इस जनरेटर के थ्रू हम लोग प्रोब लगाते हैं। ये प्रोब है, प्रोब मतलब एक टुकड़ा होता है, छोटा सा मेटल का टुकड़ा होता है। प्रोब जो होती है लकड़ी की तरह होता है, और ये उस जगह पे लगाया जाता है जिस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट तो पूरी वेवगाइड में है, ठीक है, तो प्रोब कहाँ फिट किया जाए, प्रोब का लोकेशन क्या होगा। तो प्रोब का लोकेशन और उसकी डिजाइन और उसका जो साइज है ना, वो डिसाइड किया जाता है कि भैया इंपीडेंस कहाँ मैच कर रहा है, क्योंकि उस प्रोब के पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जनरेटर के थ्रू। उस जनरेटर के थ्रू प्रोब के पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, ये हमारे पास प्रोब है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है, ये प्रोब है हमारे पास, इस प्रोब के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है जनरेटर के थ्रू, तो इसका इंपीडेंस मैचिंग होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आप लगा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेवगाइड के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है ना, प्रोब को वहीं डालते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स में खलबली मच जाती है, हड़बड़ाहट उत्पन्न होती है। तो उस खलबली की वजह से है ना बेसिकली एक्साइटेशन होता है माइक्रोवेव फील्ड कंपोनेंट्स का, इसीलिए इसको वहां डाला जाता है प्रोब को, जहां पर वेवगाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे इंटेंसिटी अवेलेबल हो। तो टीई 0110 मोड है वेवगाइड का, जहां पे काम कर रहा हूं मैं वो है टीई 10 मोड वेव गाइड। तो वेव गाइड में ये मोड प्रोपगेट हो रहा है, ये प्रोब है, और ये है शॉर्टिंग प्लंगर जिसके थ्रू हम लोग प्रोब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज शॉर्टिंग प्लंगर। तो फालतू चीजें ये सब, तो इसमें कोई मतलब नहीं बचता, याद रखना प्रोब का लोकेशन वहां होना चाहिए जब शॉर्टिंग प्लंगर इनके बीच में जो लेमडा जी बाई फोर का डिफरेंस हो, तो लेमडा जी बाई फोर का डिफरेंस जहां पे आपको मिलता है वहीं पर हम लोग प्रोब अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, और वहां अप्लाई करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ताकि वो ज्यादा एक्साइट कर पाए। हाईली एक्साइटेशन करने के लिए ये सब काम करना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आउटपुट माइक्रो जनरेटर इज टेकन बाय कोएक्सियल लाइन,
जब आप माइक्रोवेव का आउटपुट लेते हो कोएक्सियल लाइन के थ्रू लेना पड़ता है हमें, देन द इनर कंडक्टर इज यूजली यूज्ड एज अ प्रोब। तो जो इनर कंडक्टर है उस माइक्रोवेव गाइड का, वो एज अ प्रोब यूज में ले सकते हैं हम लोग। उसको एज अ प्रोब यूज लेने के लिए जनरेटर के थ्रू उसको एक्साइटेशन देना पड़ता है प्रोब को, ठीक है। सो इट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है क्योंकि वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ चार्जेस है और अंदर भी कुछ चार्ज है, तो लाइक डाइपोल की तरह बिहेव करता है वो, विच इज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस प्रोब को हमें उस तरह से ओरिएंटेड करना पड़ता है जिस डायरेक्शन में माइक्रोवेव का इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर, और वहां करना है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दिखे। तो इस तरह से केवल एक प्रोब के डालने से माइक्रोवेव का एक्साइटेशन हो जाता है। माइक्रोवेव के एक्साइटेशन के लिए केवल इस तरह की प्रोब ही अवेलेबल होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्साइटेशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट से होते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन होते हैं, इसलिए आपकी जो प्रोब है वो भी स्ट्रेट लाइन है ताकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ पाए। इसी प्रकार हम लोग मैग्नेटिक एक्साइटेशन देते हैं, बट याद रखना केवल इतना सा अंतर आएगा मैग्नेटिक एक्साइटेशन में कि जो प्रोब है वो टेढ़ी हो जाएगी अब की बार, क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेढ़ा होता है, घुमा हुआ रहता है ना, वो सीधा होता नहीं ना, इसलिए। सो मैग्नेटिक एक्साइटेशन की बात जब करते हैं तो इसमें भी प्रोब लगाते हैं अपन लोग, बट वो प्रोब घूमी हुई रहती है, वो सीधी नहीं रहती। सो इन दिस केस द आउटपुट कोएक्सियल लाइन इन दिस केस द आउटपुट कोएक्सियल लाइन आउटपुट कोएक्सियल लाइन फ्रॉम द माइक्रोवेव जनरेटर फ्रॉम द माइक्रोवेव जनरेटर फ्रॉम द माइक्रोवेव जनरेटर इज बैंड इनटू अ लूप इज बैंड इज बैंड इनटू अ लूप टू अ लूप बाय कंडक्टिंग द इनर कंडक्टर बाय कंडक्टिंग द इनर इंडक्टर, ठीक है, टू द आउटर कंडक्टर। बाय कनेक्टिंग, देखो यहाँ पे कनेक्टिंग मत लिखो, इट्स द कनेक्टिंग वर्ड। हम लोग क्या करते हैं कि अंदर के कंडक्टर को बाहर के कंडक्टर से कनेक्ट कर देते हैं उस लूप के थ्रू। सो बाय कनेक्टिंग द इनर कंडक्टर टू द आउटर कंडक्टर आउटर कंडक्टर। तो इस तरह का हम लोग प्रोब अप्लाई करते हैं कि वो टेढ़ा हो जाए और वो इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर को जो है कनेक्ट कर दे, ठीक है। जैसे इधर समझो कैसे करना है कनेक्ट आपको, जैसे मान लो ये वेव गाइड है सपोज, ठीक है, ये वेव गाइड है आपके पास में, यहाँ पे प्रोब लगाना है आपको जिससे आपका ये जनरेटर है आपका, दिस इज द जनरेटर जिससे प्रोब को एनर्जी मिलती है, ठीक है। यहाँ से प्रोब कनेक्ट किया आप लोगों ने, ये आउटर कंडक्टर है और इसको इनर कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया लाइक दिस, इस तरीके से। ये किया मान लो, ये हमारे पास माइक्रोवेव लाइक दिस, दिस इज द वेवगाइड, सिंपली वेवगाइड। यहां से एक प्रोब जाएगी, अब मैं प्रोब बना दे रहा अलग से कलर में,
यहां से एक प्रोब जाएगी और ये प्रोब जो है आउटर कंडक्टर से और कनेक्ट करेगी इनर कंडक्टर को। ये प्रोब जाएगी और ये प्रोब आउटर कंडक्टर से बेंड करती हुई इनर कंडक्टर को कनेक्ट करेगी। दिस इज द कपलिंग लूप। कपलिंग लूप बोलते हैं प्रोब बोल दो की बात है, तो ये लूप की तरह बिहेव करेगी आपकी बात प्रोब आपकी, है ना। सो द कपलिंग लूप। कपलिंग लूप ठीक है। नाउ द लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। द लूप बिहेव्स लाइक अ द बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल। बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इज प्लेस्ड वेयर इज प्लेस्ड वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, वही लफड़ा इसके साथ भी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है या मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है। एंड ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट एंड ओरिएंटेड इन सच अ वे दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। मैग्नेटिक इज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऑफ डिजायर्ड मोड ऑफ द डिजायर्ड मोड। लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लूप लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इन दिस केस ऑफ द लूप इन दिस केस इट डिटरमाइंड बाय डिग्री ऑफ कपलिंग इज डिटरमाइंड बाय कपलिंग एंड इंपीडेंस मैचिंग। कपलिंग एंड इम्पीडेंस मैचिंग, सारी वही लाइन है जो ऊपर लिखी है अपन ने, इम्पीडेंस मैचिंग। तो प्रोब को वहीं लगाना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो, और वो इस तरह से लगानी है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो घुमावदार होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इसलिए आपको पैरेलल लगाना नहीं है, ठीक है ना। आपको लगाना है उस रेंज में, जिस रेंज में जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके नॉर्मल लगाना है। लोकेशन ओरिएंटेशन वही, उसे को डिटरमाइन करनी पड़ेगी जिस प्रकार से इम्पीडेंस मैचिंग हो और जहां पर कपलिंग वगैरह का सही से काम हो, बस वहां आपको प्रोब लगानी है। प्रोब लगाओगे तो वो एक्साइट हो जाएगा। केवल प्रोब लगाने से ही हम एक्साइट कर सकते हैं, बस प्रोब को सही ढंग से लगाना है, बस इतना सा काम है। एक्साइटेशन में तो और कुछ नहीं करना, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे और आगे का फर्दर जो भी हमें करना है। फिलहाल तो केवल इतना ही करते हैं, ठीक है।